Good afternoon. Coming to the second topic of saving the environment, that is disposal of the waste. So children, every day we are producing the waste, and it is important for us that how better we dispose the waste. So we should have the proper method to dispose the waste, whereas our local bodies such as municipal corporations and the Gram Panchayat is working for it. So what are the methods they are been adopting to dispose the waste? Number one is dumping. In dumping, what happens? Dumping, you know that a truck come in every colony or in every street to collect the waste. And then what it do? It take the waste to the open area far away from the town or city or village, and then they dump out there. तो हम देखते हैं कि शहरों में municipal corporations की truck आती हैं और waste को भर कर लेके जाती हैं और किसी open area में उसको फेंक देती हैं, ठीक है? तो हम देखते हैं इसके भी कुछ demerits हैं, क्योंकि इस कचड़े को जब animals खाते हैं तो ये कचरा उनके लिए पॉइजनस हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है. तो इससे बेटर वे हम क्या देखते हैं, लैंडफिल्स में क्या होता है कि बहुत गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं. द डीप डिचेस आर डग एंड द वेस्ट आर डंप इन टू द डग्स एंड व्हेन द डग इज बीन फिल्ड अप ओके देन इट इज बीन कवर्ड विद द सॉयल. तो जब वो एरिया या जो डिचेस हैं वो फिल अप हो जाते हैं तो उसको सॉयल से ढक दिया जाता है. उससे क्या होता है कि उसका जो कचरा है वो आसपास के एनवायरनमेंट में नहीं फैलता, ठीक है, उसकी बदबू गंदगी. दूसरी चीज़ है, जब वो सॉयल से ढक जाता है तो उसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, खेती नहीं होती है उसके ऊपर या तो पार्क बना दिया जाता है या बिल्डिंग या कोई तरह का कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है. तो इस तरह वो जो एरिया है वो भी यूज़ में हो जाता है. अब तीसरा मेथड है बर्निंग. इस मेथड में क्या होता है, द वेस्ट इज कलेक्टेड एंड बर्न्ड, उसको कलेक्ट किया जाता है और जला दिया जाता है. बट इट टू हैज सम हार्मफुल इफेक्ट्स, उसके भी कुछ हानिकारक तत्व हैं, जैसे कि एशेस है, राख है या स्मोक है या गैसेस जो उससे प्रोड्यूस होती है वो एयर पोल्यूशन करती है या फिर सॉयल पोल्यूशन, ठीक है. अब द बेस्ट वे ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो सबसे बेहतर जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का जो डिस्पोजल है वो है कंपोस्टिंग. तो कंपोस्टिंग में क्या होता है, जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, जैसे आप जानते ही हैं वेजिटेबल पील्स हैं, कॉटन है, पेपर है, जो कि मिक्स हो जाते हैं आसानी से, मोस्टली द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स, इन सबको एक गड्ढे में डाल दिया जाता है और उसमें सॉयल को मिक्सअप कर दिया जाता है. कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उसमें से कुछ वो जो आपका सॉयल है और जो वो आपका वेस्ट है, इट इज़ टर्न इनटू अ कंपोस्ट, वो एक कंपोस्ट में बदल जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो उसको डिकम्पोज करते हैं और वो पूरी तरह से उस मिट्टी में मिल जाता है. और वो डिकम्पोज्ड जो मटेरियल होता है कंपोस्ट का काम करता है. तो कंपोस्ट क्या है, कंपोस्ट इज़ अ नेचुरल फर्टिलाइज़र, और सॉयल के लिए नेचुरल फर्टिलाइज़र से बेहतर कुछ नहीं है. तो एक तरह ये फ्रेंडली थिंग है, आइटम है फार्मर्स का, क्योंकि ये उनको नेचुरल फर्टिलाइजर्स देता है. सो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल्स. सो दिस वॉज योर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. ओके, सो कमिंग टू द थर्ड टॉपिक, द 3 आर्स इन द सेविंग ऑफ द एनवायरनमेंट. अब एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए ये 3 आर्स क्या काम करते हैं. सो हाउ टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट, दीज आर द 3 आर्स और द 3 मेथड्स विच इज़ बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट, एक्सप्लेन बाय द गवर्नमेंट दैट हाउ टू यूज़ और गेट रिड ऑफ द वेस्ट. तो ये 3 आर कौन कौन से हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज. रिड्यूस मीन्स ट्राई टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू प्रोड्यूस. इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कम से कम करिए. क्यों,
क्योंकि आपका वेस्ट एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। जैसे कि आप लोग के पास पेन है, आप पेन तो खरीदते हैं लेकिन कभी भी आपने पूरी अच्छी तरह से बहुत ही कम कोई पेन यूज़ की होगी, या कलर है आप देखेंगे आधे कलर्स आपके गायब रहते हैं, आपको खुद नहीं पता, आप कभी भी उसको अच्छे से स्टोर करके नहीं रहते, कभी आपका रबड़ गुम होता है, पेंसिल गुम होता है, तो वो सब क्या है, ये सब वेस्ट बन रहा है। इवन योर कॉपीज साल ख़त्म होने के बाद अब आप कॉपी को ही भूल जाते हैं, जबकि उससे बचे हुए पेपर से आप एक रफ बना सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए रफ का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप बाज़ार जाते हैं खरीद लेते हैं, लेकिन आपके लिए वो अच्छे पेपर्स भी बहुत अच्छे रफ का काम कर सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट, आप अपने जो वेस्ट को कम करिए, ठीक है, कम से कम करिए, क्योंकि एनवायरनमेंट आपसे वेस्ट नहीं चाह रही, वो आपसे क्लीनिनेस चाह रही है, लेकिन हम अपने यूज़ के लिए ओवर यूज़ करते हैं रिसोर्सेज का, और इस तरह अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करते हैं या अदर रिसोर्सेज को भी ख़त्म करते हैं। यही चीज़ आपके वाटर के साथ भी अप्लाई होता है, जहाँ आपको वन बकेट वाटर की ज़रूरत है आप एक पूरा बहुत बड़ा बकेट ख़त्म या तीन चार बकेट आप ख़त्म कर देते हैं। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड द रिडक्शन ऑफ वेस्ट इन द एनवायरनमेंट। ओके, नाउ कमिंग टू द रिसाइकिल, टर्निंग अ यूज्ड प्रोडक्ट इनटू समथिंग न्यू। आप देखते होंगे कि आपके घर में कुछ आयरन बचा है, अल्यूमिनियम कैंस हैं, प्लास्टिक्स हैं, पेपर्स हैं, ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं, आपके घर पे हर हफ्ते एक कबाड़ी वाला आता है, ठीक है, तो आपको उनके लिए ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल्स थिंग्स को बचा कर रखना है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, इनको रिसाइकलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी हमारे नेचुरल रिसोर्स से ही बनते हैं और ये रिसाइकल हो सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको अपने कबाड़ी वालों को दे देना चाहिए ताकि वो कंपनीज में जाए और इसको रिसाइकल करवा सके, इससे हमारे रिसोर्सेज बचेंगे। सो टर्निंग अ यूज्ड प्रोडक्ट इनटू न्यू, तो आपके जितने भी यूज प्रोडक्ट हैं फिर से नए बनाए जा सकते हैं विदाउट हार्मिंग द न्यू नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, नाउ कमिंग टू द रीयूज, रीयूज मीन्स यूजिंग ओल्ड थिंग्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, तो घर की पुरानी वस्तुओं का फिर से नए पर्पस के लिए यूज़ करना। जैसे आपके घर के कपड़े हैं, जैसे आपका जीन्स है, आप जीन्स से नए बैग बना सकते हैं, उस पर डेकोरेशन कर सकते हैं, तो इससे कुछ आपके अंदर क्राफ्टिंग कला भी आ जाएगी और पुराने चीज़ों का फिर से इस्तेमाल कैसे किया जाए आप सीख सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि अब प्लास्टिक का यूज़ कम करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैग्स को यूज़ करना है। देन कमिंग टू योर पेपर्स, यू आर नॉट रीयूजिंग द पेपर्स आफ्टर द सिलेबस इज कम्प्लीटेड, आफ्टर द सेशन इज़ कम्प्लीटेड। जैसे ही सेशन ख़त्म होता है आप सभी कॉपीज़ को एक जगह रख देते हैं और फिर नई कॉपीज़ खरीदते हैं और रफ खरीदते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको वो सभी कॉपीज़ को के जो फाइन पेपर्स हैं उसे इकट्ठा करना है और उसका एक रफ कॉपी बनाना है, जो कि हर स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैट ओल्ड कॉपीज विच वेयर हैविंग द फाइन पेपर्स दैट इज़ वेरी गुड लुकिंग एंड व्हेन यू राइट समथिंग ऑन दैट दैट इट विल नॉट शो दैट इट इज़ द रफ वन, इट विल एज्यूम दैट इट इज़ द न्यू वन। So always try to use the old thing in such a proper way that it looks good. So this is what called reusing. So these were the three R's to get rid of the waste. Thank you.